आज हम बात करते हैं मास की। मास एक 32 बिट का नंबर है, जैसे कि हमारे पास एक IPv4 एड्रेस 32 बिट की सीक्वेंस है। सिमिलरली हमारे पास मास भी 32 बिट का नंबर है, एक सीक्वेंस है। मास क्या कहता है कि आपके पास जितनी भी नेटवर्क आईडीज की बिट्स हैं उन सभी को आप 1 कर दें और जितने भी होस्ट बिट्स हैं सभी को आप 0 कर दें, सो यू विल गेट द मास्क। सो मेरे पास अगर मैं क्लास ए की बात करूं, क्लास ए में हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बिट्स आर देयर, 8 बिट्स आर फॉर द नेटवर्क आईडी। सो उन्होंने नेटवर्क आईडी की 8 बिट को 1 कर दिया, रेस्ट होस्ट बिट्स को सभी को 0 कर दिया। सिमिलरली उन्होंने क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क आईडी के लिए 16 बिट्स होती है, तो 16 कंटीन्यूअस बिट्स को उन्होंने क्या कर दिया, 1, एंड रेस्ट 16 बिट्स को होस्ट बिट्स को कर दिया उन्होंने 0। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लास सी, क्लास सी में हमारे पास जो नेटवर्क्स के लिए बिट्स हैं दैट इज फॉर 24, सो 24 कंटीन्यूअस बिट्स को उन्होंने 1 कर दिया और जो 8 बिट्स है जो होस्ट बिट्स है उनको उसने 0 कर दिया। ये इसका टोटल डेसिमल नोटेशन है। इन्हीं नंबर्स को अगर मेरे पास कंटीन्यूअस 1 से 255, 2 ऑक्टेट्स आर 1, सो 255.255, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ क्लास सी 255.255.255.0, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट मास। एक्चुअली मास हमारे पास अभी ये क्लास को एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे क्लास का एड्रेसिंग की, तो वहां पर भी ये यूज होगा, जो क्लासेस एड्रेसिंग है वहां पर भी उसको भी यहां उस वहां पर भी यूज होगा। सो हमारे पास इस मास इसका फायदा क्या है, एक्चुअली मास हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी और द नेटवर्क एड्रेस। एक्चुअली स्नैपर ये है, लेट्स से मेरे पास जब भी कोई एक पैकेट है, जो पैकेट है वो सोर्स से रिसीवर पे जाना है, डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है। सो सोर्स क्या करेगा, पैकेट को सेंड करेगा, ये मेरे पास एक पैकेट है, इस पैकेट का ये डेटा है, इसमें ये सोर्स एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है। सो डेस्टिनेशन एड्रेस में जब भी ये किसी को सेंड करेगा तो माइंड में जो भी मेरे पास रिसीवर है, अलग से रिसीवर का मैं कहता हूं उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, दिस इज लाइक 100.10.10.10, ठीक है। सो ये सोर्स से ये डेटा जाएगा। सो यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो डी या ये जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, यहां पर ये किसी इस नेटवर्क में है, ठीक है। ये इस नेटवर्क में कोई एक होस्ट है, ये वाला, उसके लिए ये जो डेट पैकेट है वो इसके लिए है। और माइट भी यहाँ पे कुछ कुछ नेटवर्क्स हो, ये कुछ कुछ नेटवर्क्स हो, और यहाँ पर ये कोई डिवाइस है जो कि रूट करेगी इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे। सो मैं कहता हूँ ये राउटर है या कुछ भी, जैसे यहाँ पर ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इसमें कुछ कुछ डिवाइस है, इसमें भी कुछ होस्ट है, आईपी एड्रेसेस है मेरे पास, ठीक है, कनेक्शन है। सो मेरे पास यहाँ से जब भी पैकेट आएगा इसके पास, नाउ वी नीड टू डिसाइड कि ये किसके पास जाना है, किस इसके जो पैकेट है कौन से नेटवर्क के एड्रेस के लिए है। So, मैं कहता हूं कि इस नेटवर्क का एड्रेस है दैट इज 100.0.0। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क आईडी, ऑल द होस्ट आईडीज विल बी, होस्ट बिट्स विल बी जीरोस। सो दिस इज क्लास ए का एड्रेस है 100, सो होस्ट बिट्स सारी जीरो है। सिमिलरली मैं कहता हूं ये भी मेरे पास एक कोई नेटवर्क है जिसका एड्रेस है 150.10.0.0, क्योंकि क्लास बी का है, सो दिस इज लाइक 16 बिट्स फॉर दिस वन, एंड नेक्स्ट as a network ID bits. But the next one is, this is, I can say, this is 200.10.10.0 host bits. Fine. अब इसके पास जब ये आएगा ना, तो इसको इस IP address की help से ये find out करना है कि किस network पे जाना है, किस इस particular block पे जाना है, network पे जाना है, ठीक है। So मेरे पास जब भी कोई IP address होगा, आप उस IP address को अगर network mask या mask को मैं कहूँ, या फिर इसको जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो सबनेट मास्क में इसको बोल सकता हूँ, जो लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास क्लास में एड्रेस है यहाँ पर हम उसको मास्क बोलेंगे। सो किसी भी मास्क को हम उसके साथ अगर बिट वाइज एंड करेंगे, हम बिट वाइज एंड करेंगे, बिट वाइज एंड, वी विल गेट द नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी, ठीक है। कैसे, देखो अब मेरे पास आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। सो आईपी एड्रेस इज 100.10, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूं, सो 100 विल बी लाइक 0010110 एंड .10 इज 0000010010, नेक्स्ट 10 इज अगेन 0000010010, नेक्स्ट इज अगेन 10, सो दिस इज 0000010010, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट इस जो मेरे पास सबनेट, अब ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, एक्चुअली ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का, क्लास ए का अगर मेरे पास सबनेट मास्क है, क्लास या मास्क है डिफॉल्ट मास्क, क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क इज दिस वन, 8 कंटीन्यूअस वंस एंड देन रेस्ट ऑफ द जीरो। सो मेरे पास 8 कंटीन्यूअस वंस हैं, दिस इज 8 कंटीन्यूअस वंस, लेट मी राइट इट दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड रेस्ट इज ऑल जीरो, 24 कंटिन्यूअस जीरोस,
जब मैं इसको बिटवाइज ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से करें राइट हैंड साइड से करें बिटवाइज ऐड करना है, तो जीरो का किसी के साथ भी मैं एंड करूंगा, आई विल ऑलवेज गेट जीरो, आई विल ऑलवेज गेट जीरो, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको भी जीरो के साथ, क्योंकि यहां तो 24 कंटीन्यूअस जीरोस है ना, सो दिस इज लाइक 0000080, सिमिलरली यहां पे भी जीरो है, सो दिस इज 0000000, जीरो का किसी भी के साथ भी एंड करूंगा आई विल ऑलवेज गेट दिस जीरो, बट मैं किसी भी वन का एंड करूंगा आई विल गेट दिस सेम जो कि मेरे पास ओरिजिनल है, यहां पर 010 ऊपर वाला एज वेल आ जाएगा, दिस 0111 010 011 111 011 010, सो ये क्या है मेरे पास, ये है नेटवर्क एड्रेस। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा आई विल गेट दिस इज 100, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। नाउ दिस पर्टिकुलर डिवाइस क्या करेगा, ये जो मेरे पास नेटवर्क एड्रेस आया है उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे डिसेंड कर देगा, अभी इससे मैच हो गया, और दिस थ्री नेटवर्क्स, ये जो नेटवर्क एड्रेस आया है ये आईपी एड्रेस से मैंने नेटवर्क एड्रेस निकाला होता है, मास्क इससे मैच हुआ, ये इस पे रूट कर देगा, इस पे सेंड कर देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ मास्क एक्चुअली, एक्चुअली ये इसका थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इज समथिंग डिफरेंट। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये ऐसे है, तो ये क्लास ए का एड्रेस है, क्लास ए में अगर मैं देखूं क्लास ए के नेटवर्क पे, क्लास ए का जो नेटवर्क है, क्लास ए के नेटवर्क पे 2^24 - 2 होस्ट आर पॉसिबल, ठीक है, बट जब इतना बड़ा मेरे पास कोई भी नेटवर्क होगा तो माइट इंटरनली राउटिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। ये सब तुम्हें थ्योरेटिकली बताने के लिए था कि एक्चुअली रोल ऑफ मास्क क्या है। Well, so the practical implication will be in case of subnetwork, subnetting. This will be seen in the further videos. Okay. Well, this was all about the mask. Thank you so much.